ब्रेक तो बाद एक और फिर थोड़ा स्वागत है फैसला देश का। असं लगातार चर्चा कर रहे हैं जस पंजाबी ते तुसी डिबेट देख रहे हो अपनी बोली दे विच ते पहली बार ये चर्चा हो रही है कि असी तुहानूं उस चर्चा वाल नहीं लैके जा रहे कि जिहड़ा रुझान नतीजे आ रहे हो तुसी लगातार स्क्रीन ते देख रहे हो, पर असी उस चर्चा वाल तुहानूं ले जाना चाहुंदे हो जिथे मुद्दियां दी गल होवे, देश दे अग्गे अग्गे चुनौतियां किहड़ियां हैगियां, नवां प्रधानमंत्री जिन्हों भी बनाया जाऊगा, देश जिन्हों भी बनावेगा उस अगे चुनौतियां की हैगियां, असं उसका भी जिक्र नाल कर रहे हैं। रिजल्ट तुहानूं दस्सांगे, लोकतंत्र का जश्न मनाउण का मौका तुहानूं सारिआं नूं मिलिया हैगा ते सानूं भी मिलिया हैगा। इस लोकतंत्र का फैसला जिहड़ा उह लगातार असीं तुहानूं दस रहे हैं। पैनल साडा मौजूद हैगा, हुण तुहाडा इक वार फिर तारुक करा रहे हैं क्योंकि जदों भी असीं ब्रेक लैंदे हां तकरीबन पैनल बदल जांदा। विक्रमजीत सिंह सीनियर पत्रकार ने लंबा तजर्बा इहनां नूं हैगा। विक्रमजीत सिंह साडा इस डिबेट विच पहुंचे है। विक्रमजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेजर एपी सनवारिया साहब भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है ते ये इत्थे पहुँच चुके हैं। सनवारी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है ते राठौर साहब तुहाडा एक और फिर स्वागत करदा, डॉक्टर गर्ग तुहाडा एक और फिर स्वागत करदा। विक्रमजीत सिंह तुसीं पिछलियां कुछ डिबेट्स दे विच जदों इत्थे तुसीं पैनल विच होंदे सी तुसीं अक्सर कहिंदे सी एग्जिट पोल है जिहड़ा उह तकरीबन उही होऊगा। सवाल यह हैगा एग्जिट पोल नूं निंदण वाले लोग बहुत सीगे पर तुसीं आपदी गल ते खड़े रहे, अज कित्थे खड़े हो? मैं पिछली बारी डिबेट होया सी ते देयर वर लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट एग्जिट पोल्स एंड आई सेड कि एग्जिट पोल्स ऑल एक डायरेक्शन विच पॉइंट कर रहे हैं और मैनू नहीं लगता कि ज़्यादा रोंग होंगे और जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया सी वही अज तक ट्रेंड जिहड़ा आ रहा उहदे मुताबिक हैगा। सो मेरी असैसमेंट बिफोर काउंटिंग डे तीन चार फैक्टर्स से सीगी जिहदे ते मैं असैसमेंट की सी कि बीजेपी इज कमिंग बैक ऑन मोदी काइंड ऑफ अ मोदी वोट। पहला फैक्टर सी एग्जिट पोल्स इंडिकेट कर रहे सीगे। दूजा फैक्टर ये सीगा कि ये जिहड़ा ऑपोजिशन इन्ना रौला पान लगी ऑन EVMs उहदा ये बिट्रे कर रहे सी कि ऑपोजिशन हुण एक बहाना चाह रही है, सीइंग डिफीट इज स्टेयरिंग एट इट। सो उहनां दी जिहड़ी बॉडी लैंग्वेज सी, जिहड़ी उहनां दी नैगेटिव स्टेटमेंट सी, वो एक ही गल बार बार कह रही सीगियाँ कि उन्होंने एक डिफीट दिख रही है और अपने आप का बचाव करने क्योंकि वो अपनी डिफीट नू EVM से पा देंगे, चीटिंग होगी जी, इलेक्शन कमीशन ने करता जी, मोदी ने करवाता, मीडिया ने करवाता। वो अपनी एक बेसिक जिहड़ी प्रॉब्लम हुई है ऑपोजिशन की कि लोगों ने एक मेजोरिटी वोट मोदी जी नू दिती है। अगर जिहड़ी ऑपोजिशन गल कह रही थी कि EVM स्टैंपर हुई हैं तो आम लोगों च बड़ा रौला पै जाना सीगा कि जी EVM स्टैंपर होगी, आप हमारी वोट जो मोदी को नहीं गई वो मोदी अपने में डालने की कोशिश कर रहा, पर तुसी देखा ग्राउंड लेवल पर लोगों ने रौला नहीं पाया। ये सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन दियाँ तो उन्होंने जिहड़े आइडियोलॉग्स और इंटलैक्चुअल सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया से वो ज़्यादा रौला पा रहे थे, आम लोगों में पॉपुलर रेजोनेंस नहीं सी इस गल की। और आई थिंक सब तो वड्डा फैक्टर सीगा कि जिहड़े साडे सीजन जर्नलिस्ट ने जो 30-40 साल तो इलेक्शन कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रियालिटी जाके देख के पिंडा में जाके लोगों नाल गल करके उन्हां दी जिहड़ी एनालिसिस सी, फीडबैक सी, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस सी, वह भी एक गल कह रही सी कि मोदी लई एक बड़ा डिसाइसिव वोट आ रहा हैगा क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी वर्सिज हूम, असी मोदी नूं नहीं वोट देंदे तो आपां किहनूं वोट देंदे, ओपोजिशन का तो कोई लीडर भी नहीं हैगा, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी लिए लड़ते ही रहेंगे। सो ये फैक्टर्स जिहड़े सीगे दे ऑल वर इंडिकेटिंग के मोदी इज कमिंग बैक। लगता है कि एग्जिट पोल दे आंदे ही EVM वाला बहाना बना के आपदे आप नूं पहले ही बैक कर लिया। अगर नोट केयरफुली करो कि जब छेवां फेज इलेक्शन का होया जितों ट्रेंड्स आ रहे सीगे कि मोदी की वोटिंग काफ़ी हैवी मोदी लिए टिल्ट हुई है, ओपोजिशन ने EVM का रौला शुरू करता और जब एग्जिट पोल्स सामने आए तो ऑपोजिशन का EVM का रौला बहुत ज़्यादा मैगनीफाई होया, बहुत हाइपर हो गया। और तुसी नोट करो, देखो असी एविडेंस से चलने, जो ऑपोजिशन एविडेंस दे रही है EVM से वो सेम दो चार गल्लां ही करी जा रही है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्रेजेंट सीरियस टेंजिबल एविडेंस दैट EVM हैव बीन टैम्पर्ड विद। सो एक के मीडिया परसैप्शन जा क्रिएट कर रहे ने, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे ने कि कल ये गल ना आ जाए कि राहुल गांधी की फैमिली फेल कर गई, डायनेस्टी फेल कर गई, दे लॉस्ट अनदर इलेक्शन। सो ये सारी डायवर्शनरी टैक्टिक्स इन्होंने पहला ही सोच लिया सी और ये कोई नवी गल नहीं है। तुसी नोट करो 2010 विच BJP दे GVL नरसिम्हा राव स्पोक्सपर्सन ने इन्होंने किताब लिखी EVM नूं गालां कढ़ियां उन्होंने, क्यों? क्योंकि 2009 विच अडवाणी जी UPA तो इलेक्शन हार गए सी, ही वॉज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडीडेट, तो BJP ने रौला पाया कि EVM स्टैंपर सी। ओही नरसिम्हा राव जो जिहदी कल स्टेटमेंट आई है कि ऑपोजिशन बहाने बना रही है डिफीट तो पहला, GVL नरसिम्हा राव जी किताब पढ़ लो तुसी, BJP दे प्राइम स्पोक्सपर्सन ने उन्होंने लिखा सी कि EVM आर बिंग टैंपर्ड विद, उन्होंने शक की नजरी पाई सी EVM।
सो ये पोलिटिकल पार्टीज़ का एक साढ़े जरा डेमोक्रेटिक प्रोसैस है उत्ते शक पाना वो क्रेडिबिलिटी से शक पाना ये कोई चंगी गल नहीं हैगी है ये बहाना है और सारी दुनिया इनू देख के कई कहेगी कि इन्नी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी अ फंक्शनिंग प्रूवन डेमोक्रेसी विच ये एलीगेशन चल रही हैं आई थिंक ये भारत की इमेज लिए बिल्कुल ठीक नहीं चाहे वह बीजेपी होए जा कांग्रेस होए जब बीजेपी हारती है वो सेम कंप्लेंट्स करती है जब कांग्रेस हारन लगती है वो सेम रौला पाती है ये भारत लिए चंगा नहीं अगर ये नैशनलिज़म दी पार्टीज़ ने दे शुड रेजिस्ट फ्रॉम दिस उदय सिंह राठौर कांग्रेस नू हुण गांधी परिवार गांधी डायनेस्टी तो अगे सोचना चाहिए देखो एक परसैप्शन बना दी गई है कि कांग्रेस है तो गांधी परिवार है मैं ये दसो पिछले 30 साल के अंदर ਕਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਵ ਜੀ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 30-33 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ UPA ਦੀ ਗਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਬਟ ਉਹ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵਰਕਰ ਬੈਕਅਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ CEC ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ CWC ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ EVM ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟ ਪਾਈ ਔਰ EVM ਹੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ ਕਰੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਮੰਥਨ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣ ਦਿਓ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਬੈਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੈਸ
The verdict is coming very clear. अगर लोकां अगर कहन लग जान कि EVM tampering दे कारण ने verdict दिया तो लोकी इस ते react करेंगे और मैनू नहीं लगता कांग्रेस की इमेज लोगों में चंगी जाएगी क्योंकि लोगों ने वोट पाई है मोदी जी लिए। अगर वोट लोगों ने वोट ना पाई होंगी आज बहुत रौला पै जाता ग्राउंड लैवल से कि EVM स्टैंपर है साड़ी तो वोट गई नहीं मोदी ने और ट्रेंड्स किस तरह आ रहे हैं। सो आई थिंक कांग्रेस इज नॉट सीइंग द ग्राउंड रियालिटी। ये कांग्रेस का अपना ही नुकसान है कि लोगों की वर्डिक्ट नू तुसी असाइन इट टू चीटिंग। देखो पिछली बार भी 69% वोट मोदी के खिलाफ पे सी और इस बार शाम नू पता लग जाएगा किन्ने परसेंट वोट मोदी दे हक च पई है मोदी जी दे खिलाफ पई है। जेड़ा 69% राठौड़ साहब 69% जेकर मोदी दे खिलाफ पए सी ताए कांग्रेस दी नाकामी नहीं कि ओ 69% नू अपने हक विच नहीं कर सकी। मैं तां पहले कबूल बैठे हां उस गल नू ए साडी नाकामी है। ते उस दे बावजूद तुसी ए मनन लई तैयार नहीं कि हजे भी स्ट्रेटजी कितना किते तां चेंज करनी पएगी ना। नहीं स्ट्रेटजी दे अंदर साडे बिल्कुल कितना किते प्लानिंग जेड़ी हैगी है कितना किते लीडरशिप जेड़ी हैगी उस ते सवाल तां उठणगे ना। बिल्कुल सोचना पैना सानू नवे सिरे कोई ना कोई साडे तों जेड़ी गलतियां बार बार हो रही हैं। हालांकि लोग भी मोदी के हक च वोट पा के मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं पा रहे हैं। वही कांग्रेस हैगी है जिहड़ी पूरे देश में जिहड़ी हैगी है सैकंड थर्ड फोर्थ पोजिशन तक जा रही है। वही कांग्रेस पंजाब में एक लीडर करके अगे आ रही है तो लीडरशिप के तो सवाल उठणगे ना फिर उठोगे। नहीं मैं तो कह रहा कोई स्ट्रैटेजिक जो भी साड़ी गलती है सानू इहदे बारे मंथन जरूर करना पैना लेकिन यह स्थिति जी हूँ हैगी है शायद शाम तक कुछ ना कुछ चेंज होएगी। कुछ ना कुछ चेंज होवे इहदी संभावना किन्नी क हैगी अपने आप विच वड्डा सवाल है। पर सवाल थोड़े को भी है डॉक्टर सवरिया इस पूरे सिनेरियो दे विच जी पूरे का पूरा इलेक्शन जिहड़ा डिस्कोर्स सीगा उसनू तुसीं मोदी तक लिया के सीमित कर दिता। यह स्ट्रैटेजिकली सी इमोशनली लोगों को कनैक्ट किया जा रहा सी या ये ग्राउंड प्लैनिंग यही सी कि मोदी नू ही प्रोजेक्ट करना बाकी किसी चीज़ बारे गल नहीं करनी। देखो गगन जी तुसीं ओ गल कर सकदे हो गगन जी ना मैं गगन जी इस तो पहले कि मैं आप जी दे सवाल ते आऊं मैनू बड़ा दुख लग गया। मेरे साथी इतने मैच्योर स्पोक्समैन है नैशनल पार्टी इन्हां दी है ओ कहिंदे फतवा दित्ता भारत की जनता ने इन्हां दे अगेंस्ट फतवा दित्ता ओ देश हार रहा है। अज तो चलो मैं उस टॉपिक पर नहीं आना चाहता अज खुशी का दिन है 68 दिन का जोड़ा महा उत्सव है वह अज संपूर्ण पूर्ण दिवन हो रहा है रिजल्ट आ रहे ने जो जनता जनार्दन हुक्म देती है पर नवा के मान लो। अब आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि हमारी पार्टी ने देखिए दो तरह के मैं तो ये कह रहा हूं कि दिस इलेक्शन वाज फॉर दी कंट्री ये भारतवर्ष के वासिंदे इलेक्शन लड़ रहे सी कि कंट्री नू बचाना है कि तोड़ना है। दो तरह के ग्रुप सी एक तरफ सी एनडीए जिथे मतलब बीजेपी प्रोमिनेंट पार्टी सी बाकी साढ़े साथी सी असी पहले दिन ते कहता कि लीडर कौन होगा वी प्रोजेक्टेड नरेंद्र मोदी एज आवर लीडर ऑफ एनडीए अनडिस्प्यूटेड। यू प्रोजेक्टेड और नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ मीन यू मींस देखिए एनडीए प्रोजेक्ट आई एम ओनली स्पोक्स वही मैं कह रहा हूं मैं कभी मोदी ने आप खुद को प्रोजेक्ट कर लिया कि एनडीए ने प्रोजेक्ट किया वो तो एनडीए प्रोजेक्टेड दैट। दूसरी तरफ जितनी भी पार्टी एक मैं उन्होंने नंबर नहीं बोलूंगा वरना कहेंगे जी आपके ज्यादा उन लोगों में तो दर्दर दर्जन मुझे वो कलकत्ता की मीटिंग याद आ रही है कि एवरीबॉडी हु हैड एक दूसरे नु गालियां दे रहे सी एक दूसरे नु मारन तुके सी वो बंगाल भी जाके हाथ पकड़ के वो उथे मैनू लग्या कि 2 डजन प्राइम मिनिस्टर सी। और कल भी मैं सुनया देखिए हुन जो रुझान आए सी जिन्हां नु के इन्हां नु नहीं पसंद किया पिस्तौल निकाल ले पता नहीं वेपन निकाल ले उन चीजें ना जाके कल भी एक मायावती जी कहती है कि तू मैनू ना भूलियो प्राइम मिनिस्टर तो मैं हाँ क्योंकि 22 आदमी जिहड़े आज दिल्ली बैठे हुए ने कहते थोड़ा जा टीवी ते नजर आया असी राष्ट्रपति भवन पहुंच जाओगे कहीं सानू पढ़ाओ तो कहना साडे कोल लीडर है एनडीए को लीडर सी जिहड़ा पहले ना मोदी का ना सी 5 साल वह कम करके आया और आज जनता जिहड़ा हुक्म दे रही है आज फैसला तुसी ये कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस लीडरलैस पार्टी हो गई है। अब देखिए मैं की कह रहा हूँ 90 करोड़ लोग कह रहे ने बट मेरे बुला रहे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं शाम तक इंतजार कर लेंगे चलो तो लीडरलेस एब्सोल्युटली। बट एक के भी गगन जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसी देखिए कांग्रेस पंजाब विच भी है कांग्रेस सारे इंडिया विच भी है बट जिहड़ी पंजाब विच कांग्रेस है वो कप्तान दी कांग्रेस है और वो जिहड़ी उपर जिहड़ी कांग्रेस है जिहनूं पुछा नवजोत सिद्धू कहिंदा किहड़ा कैप्टन वो जिहड़ा कैप्टन उत्थे दिल्ली बैठा होया है वो दूसरी कांग्रेस कप्तान साहब नूं कौमी प्रधान बना दिए
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਟ ਦੇ ਡੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹ ਚਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਹਾ ਛੱਡਤੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਸੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 12 ਮਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਆ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਮਾਰ ਲਿਓ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਲਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ 2013 ਸੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2013 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 2000 ਸੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਡਟ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮਾ ਕੋ ਨਾ ਆਦਾ ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਤੇ ਜੋਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਡਟ ਕਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ UPA ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਐਨ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ CWC ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਠਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸੈਲ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਜੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 13 ਦਿਨ ਦੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰੇ ਫਿਰ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ CWC ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੋਟ ਕਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ 1950 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ 1950 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹੀ ਖਤਰਾ ਹਾਂ ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ BJP ਉਸੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਗਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜੋ 1952 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਜਦ ਆਪ
अनब्रिडल्ड पावर तुहाडे कोल आ जांदी ने और कोई भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होंदी, तो ये इंसानी फितरत है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द पावर। बट ओदे आदमी दी मनसा भी देखिए कि ओदे कोल ताकत है काम करन दी, मैं ताकत नहीं मस्कल पावर नहीं मतलब। तो ओ नरेंद्र भाई मोदी ने एम्प्टन टाइम ये क्लियर करता कि मैं सरकार नहीं चलानी, मैं ता देश चलाना है। एक पार्टी का भी आदमी होएगा देश वास्ते गल करेगा, ओनू मैं साथ लेके चलूंगा। इस तरह वो खतरा इत्थे नहीं नजर आता। और साडा फिर एक खतरा जिहड़ा 1952 में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 542 सीट पे नरेंद्र मोदी को प्रोमिनेंटली इलेक्शन लड़के वो जीत के आए हैं। और आज बीजेपी पार्टी जो इलेक्शन लड़के आई है उनका काम करिश्मा जो भी जे तुसी आज जीत के प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बनते हैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? देखो वो तो सानू ब्लेम करते ही रहते हो प्रेस, जे असी इंटरव्यू दे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। हुण तो जनता ने भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिती, जिहड़ा चोर है ओनू चौकीदार बना के। मैं तो कल मजाक कर रहा सी कि चैनल ते कि देखो हुण चौकीदार ने सारे लोग चौकीदार लाठी ले लेके ईवीएम दे बाहर बैठे हुए ने सारे चोर। तो ये तो अजे अगर हुण बहुत जनता बहुत इंटेलिजेंट बहुत विजिलेंट होगी। और आई सैल्यूट टू द मीडिया, एक एक पॉइंट को पकड़ के बाल की खाल, कोई अब नहीं कर सकता वो चीज। विक्रमजीत ये कह रहे मीडिया की तारीफ कर देते हैं? नहीं, आई थिंक मीडिया हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द बीजेपीज परसेप्शन मैनेजमेंट एंड इट्स विक्ट्री, क्योंकि मीडिया दी मैनिपुलेशन दे थ्रू ही मोदी दा मैसेज या नैरेटिव डोमिनेंट होया। किसी होर मीडिया विच कोई चैलेंज ही नहीं आया मोदी दी मैसेज या नैरेटिव नू। मोदी अपने आप ते एक स्टैंडर्ड अप्लाई कीता, दूजियां ते दूजा स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल नैशनलिज्म, पाकिस्तान, नैशनल सिक्योरिटी ते अगर मोदी मिलिट्री नू एक्सप्लॉयट करदा पोलिटिकली तो वो ठीक है, अगर ऑपोजिशन वैलिड क्वेश्चंस रेज कर दे तो ऑपोजिशन गलत है। और मीडिया ने भी बाय लार्ज ए नैरेटिव मोदी दे फेवर विच फॉलो किया और उदा ए नतीजा होया कि लोकां दे मन उपर मोदी दा नैरेटिव डोमिनेंट होया। मैं कहांगा टू यूज़ अ वेरी हार्श वर्ड, मैनिपुलेटेड माइंडस। ये जिहड़े माइंड से साडे इन्हां ने बड़े वधिया तरीके नाल पैसा लगा के मैनिपुलेट किया मीडिया। मीडिया हैज़ बीन एन प्राइम इंस्ट्रूमेंट। अज मोदी जी इंटरव्यू की गल चलती है, अज मोदी जी का तुसी देखो कि इंटरव्यू किनू देंदे ने, वो इंटरव्यू उन्होंने देंदे ने जो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्लीयर करके लैके आते हैं। अज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसे सारे मीडिया रिप्रजेंटेटिव प्रेजेंट ने और कोई भी मीडिया रिप्रजेंटेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता। अज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और कंट्रास्टिंग विद मनमोहन सिंह टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नॉट वन पता नहीं किनिया प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कीतियाँ। सो आई थिंक दिस ब्रिंग्स इन टू वेरी शार्प फोकस रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मोदी एंड हाउ मोदी एंड मीडिया वर बेसिकली वन। दे डोमिनेटेड द नैरेटिव, दे स्पन द नैरेटिव टू सूट देम और लोगों में ऐसा उन्होंने नैरेटिव स्पिन किया। बिल्कुल नैरेटिव वर्डिक्ट इज ट्रू के वोटा पईयां ने मोदी ली, क्यों वोटा पईयां ने, मैनिपुलेशन दी वोटा पईयां के दूजी वोटा पईयां, जेनुअन वोट पई है जा, मैं कहना कोई जेनुअन इशूज से इंडिया ने वोट किया, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट दी वोट हैज़ कम फॉर मिस्टर मोदी, दैट इज अ फैक्ट। हाउ इट इज कम थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द मीडिया, थ्रू मनी पावर, थ्रू इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेशन बाय गिविंग मोदी अ वेरी लॉन्ग 39 डे। मोदी ली वोट आ रहे हैं, बीजेपी ली नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल वोट मिस्टर मोदी ली है। इनफैक्ट मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट आई सी 3 दिन पहले, उन्होंने कहा सी जब मैं इलेक्शन कैंपेन ते सीगा, कहिंदा पार्टी दा भी कोई प्रॉब्लम प्रेजेंस नहीं सी, पार्टी दा भी कोई रोल नहीं सी, कहिंदा लोकां ने मेरी वोट कीती है। मीनस इस तरह मैनू याद आंदा है कि जिस तरह साडे बाबे नहीं हैगे लाइक गुरमीत राम रहीम एंड ऑल दीज अदर बाबाज जिन्हां दी बड़ी मास फॉलोइंग होंदी है। मैनू लगदा मोदी इज एट अ मच बिगर स्केल बट ही इज लाइक दिस, ही इज वन ऑफ द बाबाज। यू कहिंदे ना मोदी भगती, ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਦਿਸ ਇਮੇਜ ਆਫ ਹੋਲੀਨੈਸ, ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ।
ठीक है, छोटा ब्रेक लेने, ब्रेक तो वापस आवेंगे। कहते मिस्टर मोदी के परछावे हेठ बीजेपी दब तो नहीं जाएगी, बीजेपी बीजेपी लिए नुकसान तो नहीं होगा मिस्टर मोदी जिन्ना आप हो रहे हैं, सवाल बहुत वड्डे है गया है। ब्रेक तो बाद वापस आके पूछूंगा जरूर फैसला देश का कहता की है। ब्रिकॉमर तो स्वागत करते हैं दर्शकों का, चर्चा असं लगातार कर रहे हैं। देश का फैसला जोड़ा है हौली हौली रुझान जोड़े है वो बिल्कुल क्लीयर एक पिक्चर दे रहे हैं। 300 तो वधेरे सीटा जीडिया 333 सीटा एन डी ए 101 यूपीए 108 अदरस 333 400 पार तो नहीं है सनवारी साहब, 333 400 पार तो नहीं गई है। नहीं, नहीं यार। गगन जी 400 पार भी सिर्फ एको सीगा लोकां नू के दस दिता जावे 400 पार चले जांगे साहब, एक्सपेक्टेशन नु तो ना करोगे सानू एक्सपेक्ट भी ना करन दियो। पर जे तुहाडे मैं ता कहंदा कि तुहाडे मुंह में घी शक्कर की पता, भी तो बहुत टाइम है, राती दे 9 बजे ते 400 पार भी हो जाऊंगा, पर असी 300 पार ता होई है। ए कॉन्फिडेंस है के ओवर कॉन्फिडेंस? ना ना देखो ना, आपा और आपा तो हाथ जोड़ के पहले भी खड़े सी, हुण भी खड़े सी, ना साडे कोल कोई हथियार ने, सब जनता जो कहंदी है असी ओदे वास्ते खड़े हुए ने, ते 300 देओगी तो ओ मान लेओगे, 400 देओगी तो ओ मान लेओगे। पर ये कहना चाहना मैं पत्रकारों जी आप जी नु के साडी बहुमत दी सरकार जो देश की सुरक्षा का ख्याल करेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा, निर्णय लेने वाली सरकार बहुमत की सरकार आज बन जाएगी। चलो थोड़े को मतलब आज तो बाद एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सानू मौका नहीं मिला? बिल्कुल ना ना, एक्सक्यूज तो जी के भी कहने। चलो हुण मैनू एक चीज दस दो तुसी, स्वामीनाथन कमीशन दी रिपोर्ट है जड़ी ओ हुण इन बिन लागू हो जाएगी कि एक नवा एफिडेविट तैयार कर लोगे तुसी? नहीं 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 केपी जी, क्योंकि किसाना किसाना नु एड्रेस नहीं किया जा रहा, किसाना दे मुद्दे नु राष्ट्रवाद दे मुद्दे थले दबाया गया। पंजाब दे विच किसानी दा संकट, पूरे देश दे विच किसानी दा संकट, उस नु पासे कर दिता गया, एक वखरा नैरेटिव सैट कर दिता गया तुहाडे वल्लों। सनवारी साहब जी आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। किसानों का जो हाल, खाली पंजाब क्यों, महाराष्ट्र में चले जाइए, मैं सारे की गल कर रहा हूं, जो बुरा हाल है। और अब आप स्वामीनाथन की जो बात कर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो ये डिबेट कई बार आपके चैनल पे भी हो चुका है, द लैंड प्राइस वाला जो क्लॉज है उसका एक सॉल्यूशन आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको आज टीवी से मैं आपको कह देना चाह रहा हूं कि जो लैंड प्राइस 1 एकड़ 40 लाख की पंजाब में है, वो महाराष्ट्र में 10,000 की है, मेरे हरियाणा में। सोल्यूशन कढ़ने लिए तो अनो मैंडेट देता है देश की जनता ने। मैं वो कह रहा कि वो सारी जिम्मेदारी तो भजो ना, वो ना ना नहीं भाई, तो नई सरकार बननी है, पहले जिम्मेदारी तो भज रहे हो, नहीं भग नहीं रहे। वो सोल्यूशन तुसी भी आप भी देखिए, पार्ट ऑफ जनता भी सजेशन दे सकती है। सिर्फ एक वो क्लॉज हमें बता दीजिए, हम स्वामीनाथन कमीशन पूरी की पूरी टोटल लगा देंगे, बाकी सारे क्लॉज तो हम लगवा ही चुके हैं इसमें। वाह राठौर साहब, किसानी दे मुद्दे ते कह रहे बाकी सारे क्लॉज असीं ला चुके हैं, जिहड़ी दुगनी इन्होंने कीमत करनी सी, दुगनियां कीमतां दवाउणियां सीगियां, डेढ़ गुना कीमत दा दावा करदे पे, 2022 तक कहिंदे असीं सारा कुछ कर देवांगे। राठौर साहब देखो, स्वामीनाथन कमीशन दी जिहड़ी रिपोर्ट सीगी लागू करन दी इन्हां ने गल कीती सी पिछले इलैक्शन तों पहलां, और खास तौर तों इन्हां ने वादा कीता सीगा, अपने मैनिफेस्टो 'च भी दित्ता सीगा, ओह इन्हां ने लागू नहीं कीती। ये हुण बेशक तो बैठ के डिबेट के अंदर जो मर्जी कहें, कुछ जीन्स के रेट तो अजिहे ने जिन्हां के अंदर सिर्फ 100 तो 150-200 रुपए तक का वाधा होया सीगा, और पंजाब के अंदर तो मैं लगता उदों कोई फायदा ही नहीं होया। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਫਿਰ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਐਮ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਟਿਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਟੂ ਫਾਰਮਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਜੋਬਲੈਸਨੈਸਨੈਸ, demonetization, poor implementation of GST, the real issues jide sade common man nu affect karde, ode baad hoya pulwama, aur pulwama di sab to vaddi geopolitical jehdi
गेम सी वो जैशे मुहम्मद ने करके क्लेम किया बड़ी ओपनली कंस्पिकुअसली और ये बहुत सीरियस चार्ज लग्या सी बीजेपी और जैश ते कि जैश ने इस टाइमिंग नाल किया पुलवामा अटैक के मोदी जी दी पॉलिटिकल कैंपेन नू फेवर करन दी ये नहीं कि मोदी जी ने वो अटैक करवाया नो दैट इज़ नॉट ट्रू हरि प्रसाद ने कह दिया था नहीं वो हरि प्रसाद जी कहें वो उनकी बिजनेस है मैं कह रहा हूँ कि जैश ने टाइमिंग की थी सींग के मोदी जी इस कैंपेन इज़ फॉल्टरिंग उन्होंने किया उस नाल की होया मोदी जी रिवाइव हो गए जैश का की मोटिव सी कि पाकिस्तान इंडिया में टेंशन बदन एसकलेशन होए मोदी जी ने ओबलाइज किया बालाकोट अटैक किया बिल्कुल ठीक अटैक किया इट वॉज़ नीडिड उस नाल की होया कि मोदी जी ने फिर मीडिया के नाल मिल के एक नैरेटिव नू बहुत वड्डा टर्न दिता इट टर्नड अवे फ्रॉम फार्मर इशूज जॉबलैसनैस डिमोनेटाइजेशन टू नैशनल सिक्योरिटी टर्न टू मोदी एज अ स्ट्रॉन्ग मैन के मैंने पाकिस्तान में घुस के बॉम्ब फेंका मैंने पाकिस्तान से पंगा लिया मैं पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं सो नैरेटिव चेंज टू दैट और उदे विच मीडिया ने बहुत साथ दिता क्योंकि मीडिया ने सिर्फ मोदी जी का ही नैरेटिव स्पिन ज़्यादा दिती अगर ओपोजिशन या जर्नलिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इशूज़ रेज किए उन्होंने कहा कि तुसी एंटी नैशनल हो तुसी अगेंस्ट द नेशन हो सो अगेन मीडिया का रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोलिटिकल बिल्डअप सो नाउ सब तो वड्डी गल ए आ रही है कि एक तो जैशे मुहम्मद ने किया कि मोदी जी की कैंपेन का मोमेंटम चेंज कर ली उदे बाद इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान ने जिन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी कि हम तो बीजेपी को चाहते हैं वो पावर में वापस अगर ये इमरान खान ने कांग्रेस बारे कहता तो अज बीजेपी ने कहना सी किन्ने वड्डे ये देश द्रोही ने पाकिस्तान नाल मिले हुए लेकिन ना विक्रम जी दे कह चुके विक्रम जी कह चुके थे वो आपको याद होगा उस वक्त जब सिद्धू साहब नहीं कांग्रेस की गल कर रहे जे कांग्रेस की गल कर रहा है जे कांग्रेस ने सपोर्ट किया था इमरान खान ने उनकी गल कर पहले किया था कंट्री और इश्यूज किया नहीं किया था आई विल कम टू ऑल योर इश्यूज जी जी नाउ ये कहते हैं बात टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद तो ये बिलीव करते हैं एंड विद सम सब्सटेंस कि ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स मोदी जी और आरएसएस कर रहे हैं ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसमें कम्युनल पोलराइजेशन होगी और उसमें जिहादी भी बढ़ेंगे आगे भी लगेंगी और हिंदू मुस्लिम में देश बढ़ जाएगा ठीक है जियोपॉलिटिकली ये पाकिस्तान को सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान की जो टू नेशन थ्योरी है वो बीजेपी वाले जस्टिफाई कर रहे हैं आज ये ओपनली हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आरएसएस को कोई रोकने वाला नहीं है आज कि ये आरएसएस आप क्या बातें कर रहे हो हिंदुत्व की हिंदुत्व का नाम क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डट गर्ग सवाल यह है पाकिस्तान के बेस से ही साडा पोलिटिकल सिस्टम अगे वधदा रहेगा जदों भी साडी पॉलिटिक्स होगी पाकिस्तान सरहद असी इन्हां इशूज़ नूं लैके आपदी पॉलिटिक्स करदे रहांगे रियल इशूज़ तों ही भजदे रहांगे ठीक है बहुत वड्डा इशू है सरहद दे नाल पर हमेशा अशांति वाली गल करनी अहिंसा वाली गल करनी वो साडे लई बड़ी खतरनाक है देखो के पी जी एक गल यह है भी पूरी मुल्क दे विच पूरी दुनिया दे विच ईवन जद हीरोशिमा नागासाकी होया उदों तों लैके दुनिया दे विच यह है भी जंग नहीं होनी चाहीदी क्योंकि जंग दे विच कॉमन मैन मरदा है सफ़र करदे ने लोग ए पंजाब दे पंज छे जिल्ह्यां नूं पुछ के देखो उन्हां दा हाल की है ये जंग तो नहीं होनी चाहिए पर मैं ना तो कांग्रेस नाल इस गल नाल सहमत हाँ ये ठीक मीडिया ने स्पिन दिता इन्होंने करया कांग्रेस उस कांग्रेस भी उस राष्ट्रवाद कंपीटिशन च पैगी बालाकोट च किन्ने मारे की होया उहनू काउंटर जिहड़ी उस मुद्दे नू जिहड़ी टर्न देनी सी उस पासे नहीं दे सकी वह भी राष्ट्रवाद दे विच असीं वड्डे राष्ट्रवादी हाँ इन्होंने झूठ कहा है इन्होंने आ नहीं करया वह नहीं करया सो लोगों को ड्राइन करने वास्ते मीडिया का अपना रोल हैगी सी जो विक्रम जी ने कहा कि भी वो तो मीडिया ने तो पूरा स्पिन करता उस गल नूं जिहड़ी बीजेपी चाहती थी पर अज साडे देश जो तुहाडा सवाल है अज साडे देश दे विच जैसे नूं फिट आंदा है एक गल ठीक है टू नेशन थ्योरी तो कहिंदे ने भी भाई हिंदू ते मुसलमान दो वक्खरे वक्खरे भी इत्थे जिहड़ा इन्ने करोड़ मुसलमान है वो एक होर ही वक्खरा देश मंगन लग जी होर ही कुछ होना शुरू हो जाए हालांकि पॉसिबल नहीं है पर उन्होंने वास्ते इत्थे जिहड़े अतवादी पैदा करने होर करने जैश मुहम्मद की गेम का एक हिस्सा बन जाता है जब इत्थे हिंदू कम्युनलिज्म है जिहड़ा वो बहुत उच्चा जाएगा पर यह जिहड़ा हिंदू कम्युनलिज्म उच्चा कर जाएगा जब असीं इत्थों दी मिनोरिटीज़ नूं कहांगे भी नहीं तुसीं गलत करदे हो तुसीं देश भगत नहीं हैगे जब असीं गुआंढी जिहड़ा खासकर मिनोरिटी करके असीं चीन नाल नहीं उस तरह से चीन के बारे व्यापार जरूर करदे हां लोकां नूं कहिंदे तुसीं पतंग ना खरीदो असीं खास करके
ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਹਿੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਿਨ ਆਫ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ, ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਡਰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਡਰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਐਂਡ ਸਪਿਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 24 ਜੈਟਸ ਨਾਲ, PAF ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ LOC 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ Mi-17 ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 6 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕੁਆਡਨ ਲੀਡਰ 2 ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਮੋਰਲੈਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਠੋਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਠੋਕਤਾ, ਉਹਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀ, ਸਭ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ TV ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਡਰ ਏਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਹਾਓ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਕਲਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹਾਓ ਦ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅਸਿਸਟਿਡ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਫਾਲਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨ ਦ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਦ US, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਸਟਾਲਿੰਗ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਰੀਸਮ ਫੋਰ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇਨਸੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਮੈਨੇ ਟਰੰਪ ਕੇ ਸਾਥ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਪੁਟਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਨੇ ਭਾਰਤ ਕਾ ਗਰਵ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਏ, ਮੁਝੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਗਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਟਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
लिंच भी किए ऑन द कैटल ट्रेड. कैटल ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक बेनीफिट टू इंडिया. एक्सपोर्ट होंगे लैदर, जिहड़ा फार्मर होंगे वो अनप्रोडक्टिव एनीमल बेच दिंदा. इन्होंने सब उसको रोक की कोशिश की है क्योंकि उस ट्रेड में ज़्यादा दलित्स इनवॉल्व ने एंड देवर प्रोग्रेसिंग. सो इन्होंने लोगों का वो पाकिस्तान का बोगी रेस करके वो करके इन्होंने जोड़े असली एसपीरेशन ने साढ़े लोगों उन्होंने दबाने की कोशिश की. ये आर एस एस की मेन कॉन्सपरेसी है इन इंडिया टू कंटेन द एसपीरेशन के लोग ज़्यादा उठ ना सकन, क्योंकि ये जोड़े आर एस एस के बंदे ने इन्हों की एक पिक्यूलीयर कास्ट प्रोफाइल है, एक पिक्यूलीयर इन्हों की सोशल मूरिंग्स हैगी है. वो मेनटेन करना चाहते हैं अपनी जी हैरारकी और पावर, ट्रडिशनल पावर विच हैज़ बीन अपसैट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैज़ बीन अपसैट बाय लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी. इट अपसैट्स ऑल दीज इक्वेशंस. सनवारिया साहब जी, जी थोड़ी सियासत का जो चेहरा वो जो विक्रम जी तरी कह रहे हैं वो ही चेहरा रहेगा. मैं विक्रम जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं ये नहीं चाहता कि आज एक खुशनुमा दिल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ के पी जी हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है जिसमें 131 करोड़ भारतीयों ने मैं नहीं लेके आना चाहता सी. सुन लीजिए तो आड़ी राजनीति दे विच दलित कित्थे आउंदे आ, तुहाडी राजनीति दे विच मिनोरिटीज कित्थे आउंदियां, तुहाडी राजनीति दे विच तुहाडी राज 30 सेकंड दे दीजिए. बोलो देखिए ना, आपने उनको जो मेरे अगेंस्ट प्रवचन सुनने के लिए आपने उनको 4 मिनट दे दिए, मुझे 30 सेकंड तो दे दीजिए. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता जनार्दन, ये डिबेट तो टीवी पे हम यहाँ 365 into 5 ईयर्स हम करते रहे. आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आए थे, मैं आता रहा हूं आपके, ये डिबेट बहुत हो चुकी. जब डेमोक्रेसी का जब निर्णय आता है तो जनता क्या चाहती है वो जो विक्रम जी जो बोलते रहे हैं, अगर वो हालात होती तो आज जनता हमें 370 या 340 वोट नहीं देती. जनता की चाहती है हिंदू राष्ट्रवाद. बड़े सवाल सिंपल होंगे पिंडां जुड़े हुए सवाल है. मैं तो वो सवाल कर रहा, जनता की चाहती है, जनता जो तुहानू मैंडेट दे रही है, जनता चाहती है हिंदू राष्ट्रवाद. हिंदू राष्ट्रवाद अभी तो आपको डेफिनेशन ही हिंदू राष्ट्रवाद जिहड़ा तुसी कहंदे हो आपकी डेफिनेशन यहाँ ये हिंदू भारतवर्ष का जो राष्ट्र है उसमें हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, सबको ही रह रहे, सबका विकास सबका साथ. विक्रम जी भूल गए जो बहने रात का टाइम देखती थी कि अंधेरा हो तो बाथरूम जाएंगे, 10 करोड़ टॉयलेट गरीबों के लिए इसी सरकार ने बनाए, 33 करोड़ लोगों को बैंक तक पहुंचाया इसी सरकार, राष्ट्रवाद के नाम से नहीं. मैं तो फिर कह रहा हूं राष्ट्रवाद की भाषा यह है कि अगर वो टॉयलेट बनाए हैं तो भी राष्ट्रवाद है, और जो बैंक अकाउंट खुलवाए हैं वो भी राष्ट्रवाद है, और अगर फौज को खुली छुट्टी दी है वो भी राष्ट्रवाद है, और अगर जब फौज हमारा इतना बढ़िया काम करके आती है कि 21 सेकंड में जहाज जाकर के गिरा, ठीक है आप लोग पूछते रहे हमें विटनेस अभी एविडेंस दो, तो वो भी एक राष्ट्रवाद है. उनकी बड़ाई बेरोजगारी वधी, किसानी संकट चाहिए, भी राष्ट्रवाद. हाँ मैं ये भी राष्ट्रवाद है, किसान खुदकुशियां करते रहे भी राष्ट्रवाद. मान चुका एक्सेप्ट लैंड वाला, मैं आपसे प्रार्थना और आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, लैंड वाला फार्म हम तो ढूंढेंगे क्योंकि सरकार में आ गए. राठौर साहब, राठौर साहब वैसे तो सारा जो नतीजे आ जाएंगे वो सारा मंथन करोगे. मेरा सवाल है राष्ट्रवाद की राजनीति अगर कांग्रेस हार गई जो कोई होर भी वजह या लीडरशिप वजह तुहाडी आपदी लीडरशिप समझ नहीं आंदा. सवरिया साहब केड़ी गल कर रहे हैं, केड़ी तरक्की दी गल कर रहे हैं, केड़े काम दी गल कर रहे हैं, गंगा से टॉयलेट दी गल कर रहे हैं. तुसी इहनां नूं छड्डो, मैं तुहानूं तुहाडा सवाल कीता है, ओहदा जवाब दे दो ना. सब तो बड़ा मैनूं उहदा जवाब दे दो, राष्ट्रवादी राजनीति जवाब दे लैण दो. नहीं तुसी राष्ट्रवादी, एक मिनट, इहनां दा वी जवाब दे लैण दो. राष्ट्रवादी राजनीति अगे हार गए जां राहुल दी राजनीति अगे हार गए, जवाब तो जनता दे. देखो असीं जिहड़ा धर्म दी राजनीति ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਤਿਆ,
मैं मानता बीजेपी जरूर जीती होनी है जो लोकतंत्र हारिया लोगों का रुझान जिहड़ा चार महीने पहले पुलवामा तो पहले सीगा वो कोई मुद्दा इलेक्शन के अंदर नहीं सीगा ना बेरोजगारी का मुद्दा सी ना किसानी का सी ना मजदूर का मुद्दा सी पुलवामा का मुद्दा सी राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद की परिभाषा की है मेरी समझ तो बाहर है राष्ट्रवाद की परिभाषा की है तो मैं तो यह समझना कि जिहड़ी गल तो असी डरते सी जिहड़ी चीज़ की सानूं शंका सी वो चीज़ हो गई है देखो राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं सानूं तो इन्हां दी समझ आती मैं मेरी परिभाषा तो राष्ट्रवाद की है कि जिहड़ा बंदा कानून नूं मानदा संविधान नूं मानदा वह राष्ट्रवादी है जिहड़ा कानून नहीं मानदा अपराधी है जिहड़ा संविधान नहीं मानदा वह आतंकवादी है मैं तो समझदा 99% लोग जिहड़े ने राष्ट्रवादी है लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा इन्होंने बदली है कि कोई भी बंदा अगर बीजेपी के खिलाफ क्वेश्चन करता तो वह पाकिस्तानी है वह देशद्रोही है वह हिंदुत्व के हिंदुत्व की भाषा नहीं मनू अज तक इन्होंने जी परिभाषा वो समझ नहीं आई मैं समझदा अज जिहड़ा सो कॉल्ड हिंदी मीडिया नैशनल मीडिया जो विक्रम जी भी गल कर रहे थे एक लोगों का जिहड़ा जिहड़ा नैरेटिव सीगा वो घुमा के पेश कर दिता गया और पाले भोले पाले जिहड़े लोग हिंदुस्तान के ने उन्होंने उस चीज़ को कबूल करके मैं लगता है फतवा रुझान है शाम तक उ रहने हैं लेकिन मैं लगता है आने वाले सालों के लिए यह बहुत खतरे की गल है देश के अंदर चलो एक छोटा जिहा होर वक्फा लवेंगे बहुत खतरे वाली गल कांग्रेस कह रही हैगी कांग्रेस लिए खुद लिए खतरा है सवाल यह बड़ा महत्वपूर्ण है देश लिए कितना खतरा है यह सवाल बाद दा है एक छोटा जिहा वक्फा लवेंगे वक्फे तो फिर वापस आवेंगे फैसला देश का जारी है सब तो वड्डी कवरेज पंजाबी चैनल उत्ते